हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो भाई साहब, आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था। मिस ओनरशिप रिव्यू मैंने खुद का नहीं बनाया था गाड़ी का। तो स्पेशली देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम बनाता हूँ। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आया कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि भाई कैसी गाड़ी है, कैसी परफॉर्मेंस है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं, लोहेगांव में एक मतलब पुणे में एक केस आया था कि ओला इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है वो जल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एक्चुअल में मैं लोहेगांव में ही हूँ और आपको ओनरशिप रिव्यू भी बताता हूँ क्या हुआ था। तो अगर सबसे पहले बात करें ओला S12 के बारे में, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम था। सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बताता नहीं था कि गाड़ी हीट हो रही है और वो बंदा डायरेक्टली चलाता गया चलाता गया चलाता गया, तो क्या बैटरी तो हीट होती गई हुई थी होती गई। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, बैटरी हीट होने की वजह से बैटरी डायरेक्टली बर्न हो गया, डायरेक्टली जल गया। और ना तो कोई नोटिफिकेशन आया था डिस्प्ले पे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी है। स्पेशली गाड़ी चलने के बाद भी मैंने वो गाड़ी को ख़रीदा था और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और बताता हूँ कुछ डिटेल्स ओला के बारे में और कैसे चली थी गाड़ी, क्या हुआ था, पूरा डिटेल में बताता हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी खड़ी है ओला S12 और यहाँ पे आप वॉक अराउंड दिखा देते हैं आपको साइड से। तो भाई साहब, ये मैंने ब्लैक कलर में लिया था जिसको बोलते हैं आप जेड ब्लैक। जेड ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाता है। ये मेरा R15 V3 का हेलमेट है जो मैंने अभी सेल कर दिया था। और ये गाड़ी नंबर मेरा देख सकते हैं आप। ये मेरा बैग है। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा गाड़ी देखने मिल जाता है फ्रंट से, देख लीजिए ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट से। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कैसी गाड़ी और क्या हुआ था सीन ओला का। तो ओला का गाड़ी जो जला था यहाँ पे लोहेगांव में, एक्चुअल में मैं लोहेगांव में ही हूँ अभी फ़िलहाल, और मैंने पूछा एक दुकानदार से जाके क्या हुआ था सीन। तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़का था वो डिलीवरी बॉय था। एक्चुअल में मुझे ओनर तो नहीं मिला बट मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि वो डिलीवरी बॉय था और वो डिलीवरी का काम करता था। गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगाया गया था, भगाए के वजह से बैटरी हीट हुई थी और यहाँ पे डिस्प्ले में जो आपको दिखता है टेम्परेचर इज़ हाई। सो दो टेम्परेचर हाई का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी। तो उसकी वजह से बैटरी बर्न हुआ और मैंने ओला को कॉन्टेक्ट किया था, मतलब तो वो बता रहे थे कि मैंने उनको गाड़ी दे दिया था। तो भाई काफ़ी अच्छी सर्विस है। स्पेशली जब मेरा गाड़ी डिलीवर हुआ था पिछले मंथ 27 मई को डिलीवर हुआ था, तो मैंने डिलीवरी का वीडियो नहीं बनाया भाई, क्योंकि वो रात में डिलीवरी हुआ था और लाइट वगैरह भी उतनी खास नहीं थी। तो भाई मैंने वीडियो नहीं बनाया और अभी बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। ओवरऑल गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप स्कूटी को देखते हैं, एक्टिवा वगैरह को देखते हैं, तो भाई इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देखने को मिलती और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उसके कंपैरिजन में। इसमें आपको मिलता है मीन्स 3 राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर, ये सब तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई छोटी टायर है तो भाई कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी। ये सस्पेंशन जो है इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया जब मैंने गाड़ी ऑर्डर की। तो गाड़ी जब डिलीवर हो गई थी मुझे, तो गाड़ी में मेरा जो हैंडल बार था स्लाइटली, जब मैं गाड़ी को राइड करता था जब मैं गाड़ी को, तो ये जो हैंडल बार है मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। भाई पासवर्ड नहीं बताते इसलिए पासवर्ड नहीं बताऊँगा मैं, आप लोगों को पासवर्ड डाल दिया। तो ये देखिए, ये हैंडल बार है मेरी गाड़ी का और ये हैंडल बार स्लाइटली बेंड था ऑन द राइट साइड वाइल राइडिंग। मतलब हैंडल आप जैसे छोड़ोगे तो डायरेक्टली वो मुड़ जाता था इस साइड में। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला था और मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे, जैसे गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला था स्टार्टिंग में स्टेज में। बट मैंने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने सॉल्व करके दे दिया। और दूसरा प्रॉब्लम मुझे आया था, ये जो ट्रंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रंक की बात करते हैं, ये जो यहाँ पे ट्रंक खोलने वाला ऑप्शन होता है जिसको यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो खुल जाता है, तो ट्रंक ओपन नहीं मतलब क्लोज नहीं हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला था। ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको अगर ओला सॉल्व करता है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर बाइक है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा बेटर आपको बाइक नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी गाड़ी के साथ
कंपेयर करके भी देखा है, बट अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको बेटर नहीं देखने मिलता। और अपडेट की बात करें तो भाई अपडेट अपने को देखने को मिल जाता है इसमें 1.0 का, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 1.0.30 का अपडेट मुझे देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है मुझे धूप की वजह से, अभी क्लियर दिखता रहेगा आपको। तो मैंने गाड़ी को 1265 किलोमीटर चला लिया है और मैं मतलब 15 दिन लग गए मुझे सर्विस स्टेशन से। भाई जल्दी रिस्पांस तो नहीं मिलता इतनी, मतलब सर्विस उतना ज़्यादा खास नहीं है, जल्दी मतलब रिस्पांस नहीं मिलता, बट भाई मतलब जो सर्विस वाले हैं बंदे हैं वो बहुत ही मतलब अच्छा काम करते हैं। और मतलब यार गाड़ी एकदम फुल मतलब बहुत अच्छे से सर्विस करके दिया है और बहुत अच्छे से बात किया मुझसे। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा यही कि ओला की गाड़ी बहुत ज़्यादा बेटर है, अगर आप लेना चाहते तो आँख बंद करके ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे धूप है तो आप गाड़ी धूप में खड़ी मत करो, और जब आप गाड़ी चला के आते हो तो गाड़ी मतलब गर्म होती है तो आप हीट हुआ रहता है, तो आप ज़्यादा हीट को मैनेज करो, मतलब ज़्यादा मतलब धूप में खड़ी करके फिर फटक से चार्जिंग मत लगाओ, या फिर आप गाड़ी फुल चला के आए और तुरंत चार्जिंग मत लगाओ, एक घंटे बाद चार्जिंग लगाओ, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, बैटरी ज़्यादा हीट नहीं होगा। और टेम्परेचर हाई हो रहा है तो आप थोड़ा सा मतलब गाड़ी को आराम दीजिए थोड़ा सा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एथर से कभी भी ज़्यादा बेटर है, परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। और रेंज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेंज जो है इस गाड़ी का वो मिलता है 200+ किलोमीटर, तो मैं बताता हूँ वो कैसे मिलता है। तो 200+ किलोमीटर तो आपको नहीं देखने को मिलता, बट अगर आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं तो 90-95-100 मैक्स टू मैक्स मिल जाता है। मैं अकेले ही डेली राइडिंग करता हूँ 100 किलोमीटर का, एक्चुअल में मैं मार्केटिंग करता हूँ तो यहाँ पे 100 किलोमीटर डेली राइड रहता है। तो मतलब अगर आप हाइपर में वगैरह में चलाते हो, मिक्स राइड बोलते हैं, स्पोर्ट हाइपर नॉर्मल सब कुछ चलाते हो, तो आपको पड़ जाता है ये 70-75 रेंज मैक्स देगा, उसके ऊपर नहीं देगा। अगर आप नॉर्मल मोड में चलाओगे तो ये पकड़ के चलिए ये जाती है एक 100 किलोमीटर के आसपास चली जाएगी अगर देखा जाए तो। फ्रंट में आपको 2 LED लाइट देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LED लाइट्स कुछ ऐसे देखने मिल जाएंगे। और भाई ओवरऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर है, और मुझे अपडेट नहीं मिला है MOVOS 2 का, कल 19 तारीख है तो कल मिल जाएगा मुझे अपडेट, तो कल मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या फीचर्स भी देखने मिलता है। वैसे म्यूज़िक का बताया हुआ है, म्यूज़िक आने वाला है। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस पे है अभी ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ओवरऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर है। स्लाइटली मुझे अभी भी हैंडल बनवाने के बाद भी मुझे लगता है सर राइट साइड में थोड़ी गाड़ी भाग रही है, क्या पता उस सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम है कि सिंगल सस्पेंशन की वजह से हो रहा है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। एक मतलब देखेंगे एक्टिवा के कंपेरिजन में या कोई भी गाड़ी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर आप सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। और सर्विस भी बहुत अच्छा है, सर्विस में भी आपको सर्विस करके देंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम मतलब 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, बट अगर देखा जाए तो मतलब कैसा स्टार्टिंग स्टेज में आपने कंप्लेंट किया, मैंने 29 तारीख को कंप्लेंट किया तो मुझे 10 तारीख या कुछ 14 तारीख की गाड़ी मेरी पिकअप हुई थी। स्टार्टिंग में 2 बंदे आए थे, फिर बाद में गाड़ी पिकअप नहीं हुई, बाद में फिर मेरी गाड़ी पिकअप हो गई थी। तो ओवरऑल मुझे 2-3 दिन लगे थे सर्विस में, और सर्विस में सर्विस का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।